किसी ने सच ही कहा है, लालच तो इनकी आंख में है, हर नेता कुर्सी की ताक में है। एक तरफ जहां बीते दिनों यूपी के पूर्व मंत्री और मंत्री के बीच कुर्सी को लेकर तनातनी देखने को मिली, तो वही ऐसा ही नजारा अब एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां डिप्टी सीएम के करीब आने के लिए पूर्व विधायक और विधायक में खींचतान हो गई। हद तो तब हो गई जब उप मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए पूर्व विधायक केंद्रीय मंत्री का प्रोटोकॉल भूल गए और उन्हें पीछे धकेल दिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सूबे में शिक्षक चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन स्थित उरई नगर क्षेत्र के अमन रॉयल गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हालांकि इस दौरान डिप्टी सीएम के करीब आने के लिए विधायक और पूर्व विधायक में होड़ दिखाई दी। वहीं नेताओं को फोटो खिंचाने की इतनी जल्दी थी कि इस बात पर भी ध्यान नहीं गया कि आगे खुद डिप्टी सीएम बैठे हैं। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह नेताओं ने केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा को भी पीछे कर दिया, हालांकि बाद में वो आगे आ गए। इस दौरान डिप्टी सीएम नेताओं की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। उधर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी पांचों सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी पांचों सीटों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी खड़े किए और हमारा विश्वास है कि हम पांचों सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। फिलहाल डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के दौरान विधायकों की बचकानी हरकत पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग बीजेपी नेताओं के बीच गुटबाजी होने की भी बात कर रहे हैं। खैर, नेताओं की इस हरकत के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए जालौन से संवाददाता मयंक राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।